अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कराची की सड़कों पर घूमने वाले सपाटर लौंडों को मेरा सलाम। भैया बात दरअसल ये है कि जो लोग कराची में अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी जोजाओं के साथ अपनी बेगमों के साथ घूमते हैं, तो उनके पास अगर एक अदद माशाल्लाह से अल्लाह का दिया हुआ नेमत में से एक बच्चा अगर एक अदद होता है, तो मेरी आप लोगों से एक ये ख्वाहिश है कि यार आप लोग शिकायत करते हैं मेरे बच्चे को नमूना हो गया, मेरे बच्चे को एलर्जी हो गई। उसकी वजह मेरे हिसाब से जो मैंने फाइंड आउट की वो क्या है, कराची में बाबा मसला ये कि इतना डस्ट इतना पोल्यूशन है, तो वो डस्ट एक आम बंदे को मेरे को भी हो जाती है यार, मैं भी थोड़ा सा सेंसिटिव किस्म का बंदा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि बाबा आप जो हो वो अपने छोटे से बच्चे को उसको छोटा मास्क बच्चों वाला भी मिलता है बेबी मास्क, वो 10 रुपये का होता है, वो बड़ी बड़े फ़ायदे हैं उसके यार, आप वो उसको पहना के मोटरसाइकिल पे घुमाओ। मैंने देखा ये तीन अट्टी वाला रोड, ये रेस कोरस वाला रोड, ये सफूरा वाला रोड, ये पता नहीं कौन कौन सा रोड, यहाँ पे कुरंगेलांडी वाले रोड, यहाँ तो कोई कुछ आप नहीं पहनो। ठीक है यार तुम बड़े हो, तुमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अपने बच्चों को तो सही तरह से डेवलप करो ना, अपने उसका जो सिस्टम है उसको तो ख्याल करो ना यार। उसके नाक में मट्टी जाएगी, मट्टी फंसेगी, फिर बोलते उसको खांसी हो रही, नज़ला हो रहा है, क्यों हो रहा है, बीमार हो रहा है मेरा बच्चा, उसको एक छोटा सा मास्क पहना लो यार। पेट्रोल तो डलाते हो ना मोटरसाइकिल में 250-300 रुपये का, तो 10 रुपये का एक बच्चे के लिए मास्क ले लो और साथ में खुद भी पहन लो और एक हेलमेट भी पहन लो। हाँ मैं ये कहता हूँ यार, अपने बच्चों का ख्याल करो, मेरी बात मानो यार। हाँ अच्छी बात करता हूँ, इसको शेयर भी करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।